जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका स्वागत है। और जैसा लगातार सुबह से हम आपको ईडी का अपडेट देते आ रहे हैं, और हमने आपको सबसे पहले जीएन भारत ने एक्सक्लूसिव खबर चलाई थी ये कि पंकज मिश्रा जी सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, उनको हिरासत में ले लिया गया है ईडी के द्वारा। और दिल्ली में उनसे पूछताछ चल रही है, सुबह से ही पूछताछ चल रही है, अभी तक चल रही है। क्या कुछ निकल के सामने आएगा ईडी के पूछताछ में, वो तो हम आपको अंदरूनी खबर बताएंगे ही बताएंगे सूत्रों के हवाले से। लेकिन अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ हो रहा है, शाम के 7 बजे की खबरें जो आ रही है, वो हीरा भगत जी हाँ जो कि बहुत करीबी है पंकज मिश्रा के, उनके घर से साहिबगंज में उनके घर से 5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, जिस पर तंज कसा है गोटा सांसद निशिकांत दुबे ने। और कहा है कि इतने सारे पैसे ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना है। और प्रवक्ता प्रतु शादे ने बीजेपी का ट्वीट के जरिए निशाना साधा है कि ये तो बस एक छोटा सा नमूना है पैसे का, 5 करोड़। असल में असली खजाना तो और जो 14 जगह ठिकाना हुआ है वहाँ से आएगा, क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि ईडी का छापा पड़ने वाला है, तो बहुत इन लोगों ने तो हटा दिया। ये तो सिर्फ बचा खुचा थोड़ा सा जो माल है वो निकला है। देखना दिलचस्प होगा आगे और कितना निकल के आता है। आपको बता दें ईडी जो उतना दिन से घायल शेर की तरह जो सोई हुई थी, असल में वो अब जाग गया है, और एक बार उन्होंने शिकार करके 5 करोड़ तो अपने बस में कर लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस शेर के पंजे में यानी ईडी के पंजे में और कितने रुपए बरामद होते हैं। जी हाँ, ईडी जो है बहुत दिन से शांत थी, लेकिन अब मानो ईडी अपने फॉर्म में आ चुकी है। 15 जगह पर ठिकाना है, आपको बताते हैं, अभी भी चले आ रहे हैं। क्या कुछ निकल के सामने आएगा 5 करोड़ कैश के अलावा, और क्या निकल के सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले जीएन भारत में अपडेट देते रहेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।